नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी, जहां सरकार करोड़ों अरबों रुपए के विकास के दावे करती है और विकास करने के दावे के जो कहीं ना कहीं पोल भी वो खुलती नज़र आ रही है। इस समय तस्वीर की अगर बात करें तो कैथल के विधायक लीलाराम की निवास स्थान की ये तस्वीर है, जहां पर बाबा लदाना के लोग पहुँचे और विकास की जो धरातल की तस्वीर है वो हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि विकास के जो दावे किए जा रहे हैं वो किस तरह के विकास जो है धरातल पर हो रहे हैं। क्या कागजातों में ही विकास सिमट कर रह गया है? धरातल पर क्या विकास, इस तरह के विकास हैं वो इनकी ज़ुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवदयाल शर्मा है, गाँव बाबलदाना है। क्यों आज आप पहुँचे हैं यहाँ पर? हम अपने गाँव की सार्वजनिक समस्या लेकर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे गाँव के अंदर पानी की निकासी का कोई स्थान नहीं है और एक तालाब ही हमारा एक ऐसा निकासी का साधन है जहां तालाब में घरों का गंदा पानी, सार्वजनिक पानी जाता है। उस पर कुछ शरारती तत्वों ने मिट्टी डालकर कब्जे किए हुए हैं और उस कब्जा हटाने के लिए हम कई बार प्रशासन से, महकमे से मिल चुके हैं, लेकिन कोई हमें संतोषजनक जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। लोग इतने परेशान हैं, स्कूल में बच्चे जाने के लिए परेशान हैं, पानी से होकर छोटे बच्चों को गुजरना पड़ता है, तालाब में डूबने का भय हो रहा है, किनारों तक बाहर पानी फैला हुआ है, सड़कों पर मुर्दा फूकना पड़ जाता है तो मुर्दा गंदे पानी से लेकर लोगों को शमशान घाट की तरफ जाना पड़ता है। बाबा राजपुरी की इतनी बड़ी दरगाह है जहां देश पूरे हरियाणा से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उस दरगाह के आगे अगर कहीं कोई मंत्री, MLA या प्रशासन कोई जाके देखे तो उसको खुद पता चलेगा कि वहाँ के हालात क्या हैं। तो वहाँ सरपंच से आप लोग मिले हों, सरपंच द्वारा क्या कहा? सरपंच का वहाँ कार्यकाल इस टाइम खत्म है, लेकिन सरपंच से समस्या तो बहुत टाइम से आपकी है। सरपंच उस समस्या का कोई समाधान नहीं कर चुका है। क्यों, रीजन क्या रहा? रीजन बस वो लोगों से डरता है, वो बेचारा कर्मचारी था, कर्मचारी होने के नाते वो किसी के एक्शन नहीं ले सका कहीं भी और उसके अभाव में वो लोगों ने अपने कब्जे कर लिए। कितने समय से ये समस्या है आप लोगों की? ये तो समस्या 3-4 साल से चल रही है, लेकिन अब आके तो इतना हो गया, लोगों ने पूरा का पूरा तालाब ही भरना शुरू कर दिया। 3-4 साल से समस्या ही बनी हुई है, उसके लिए आप प्रशासन से कितनी बार मिल चुके हैं? पहले कई बार मिल चुके हैं और पिछले सरपंच ने, जो पिछले सरपंच था उसने कार्रवाई भी की थी, मिट्टी खुदवाने का प्रयास भी किया, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों के दबाव के कारण या वो उस कार्य को नहीं कर पाया। तो अब क्या आगे कुछ किया जाएगा? आज विधायक के पास पहुंचे, विधायक के पास अपनी प्रार्थना लेकर आए हैं कि हमारे पूरे गांव की ये समस्या है, इस समस्या का समाधान किया जाए। अब जैसे कार्यकाल तो खत्म हो गया, आगे चुनाव जो है वो आने वाला है, चुनाव भी होगा, तो उसमें आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि 6-4 साल से एक तालाब की समस्या जो है, निकासी की समस्या नहीं दूर हो पाई। निकासी हम चाहेंगे कोई ऐसा उम्मीदवार पैदा हो जो हमारे पूरे गांव की एक ही समस्या है, हर घर की और हर जीव की समस्या है, वो भाई समस्या समाधान करने वाला कोई ऐसा इंसान पैदा हो जो इस समस्या का समाधान करे। चलिए, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार है, सरपंच बाबलदाना। सरपंच साहब, 3-4 साल से ये समस्या आ रही है, आपके समय भी थी ये समस्या? हमारे टाइम में भी समस्या थी, हमारे टाइम में तो मैंने कार्रवाई कर दी थी, जो अवैध कब्जे थे वो मैंने हटा दिए थे। उसके बाद फिर ऐसी सरपंच बन गया, उसके बाद उसका कोरम टूट गया, महकमा में चार्ज पक गया, उसके बाद कब्जे हो गए, फिर बीच में सरपंच ने यही तालाब खुदवाया था, खुदवाने के बाद 23 तारीख को बस्ता जमा हो गया, उसके बाद फिर लोगों ने कब्जा कर लिया। तो अब कब्जों के कारण जो कब्जे किए जा रहे हैं उसको लेकर ही जो है तालाब जो है वो बंद हो रहा है और निकासी का समाधान जो है वो नहीं हो रहा, निकासी जो पानी है वो तालाब में जाता था अब नहीं जा रहा। निकासी उसी तालाब को खुदाई करके उसी में उसकी निकासी हो सकती है। तो कब्जे तालाब पे हो रहे हैं? हाँ, कब्जे तालाब पे हो रहे हैं। कौन कर रहे हैं ये? कुछ है गांव के जो है शरारती तत्व। उसकी शिकायत वगैरह पुलिस विभाग को या प्रशासन को नहीं दी? उसकी शिकायत DC साहब को, SDM साहब को, सबको दी है। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई हुई थी, दो आदमी ने उसमें स्टेप 15 तारीख तक रोक लगा दिया और सारे गांव के और अपने BDO साहब 15 तारीख को पेश होगी, उसमें सबूत पेश करेंगे हम, उसको टा कर फिर इन पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कब्जे जैसे हो रहे हैं तो गांव ने कोई एक्शन नहीं लिया, गांव ने कोई एकजुट होकर उसका समाधान नहीं निकाला? गांव के लोग है ना, कुछ बहुत ही प्रयास करे हैं, फिर आपस में वो अपनी जो है भाई ये तो मेरा आपस में कोई बुंडा होने से भी डरते हैं, राजनीतिक भी सिस्टम है। चलिए, बुजुर्ग भी यहाँ पहुँचे, बाबा क्या दिक्कत आ रही है गाँव में? दिक्कत तो जी हमारा वर्ग के बूढ़े अंदर घनी दिक्कत आ रही है, 12 मई से इतना पानी खड़िया, कहाँ को लिकड़ा कहाँ को बढ़ा, और पूरे दबाव हो रहे हैं समझ ले इस राजनीति के।
गांव राजनीति का शिकार हो गया, राजनीति का काम क्यों हो गया? ये और अफसर कर रहे हैं, हम पेश हो, हमारी कार्रवाई, उसका भुगतान तो आप लोगों को करना पड़ रहा है ना, तो राजनीति का शिकार आप लोग हो गए जब आपका काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा हमारा बिल्कुल भी। तो कितने दिन की ये समस्या है? समस्या तो हो गई जिन्हें, 3-4 साल चल दी, 3-4 साल से कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान कुछ नहीं हुआ, हुआ फिर रुक जाए, हुआ फिर रुक जाए। तो उच्च अधिकारियों सरकार से किसी से बात हुई हो, कोई आश्वासन मिला हो? एसडीएम ने भी दे लिया आश्वासन, बाकी एसडीएम ने भी दे लिया, डीसी ने भी दे लिया, ये 15 तारीख फिर या कोर्ट में दिखा दी मरते हैं। अच्छा चलिए, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की बात करेंगे। क्या नाम बताओ आपका? क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव में काफ़ी समय से समस्या है, निकासी की व्यवस्था नहीं है और जो है निकलने का रास्ता नहीं, गांव में काफ़ी फुट पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा समस्या जी। आजकल सरकारी स्कूल में बच्चे जानते बितेंगे पानी में को लिख रहे हैं, खुद मारे मकान आ गया, कोई गली भरी खड़ी है, हमने बहुत मुश्किल है, बीमारी फैलने का डर है, और कई बार डीसी साहब थे, एसडीएम साहब थे, बीडीओ साहब थे, मिले भी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने 2-3 महीने से ज़्यादा मिट्टी डालकर वो जोर बिल्कुल बंद कर दिया, जिसमें पानी की निकासी नहीं हो रही है और सारे गांव की गली भरी खड़ी हैं। तो आज विधायक से आप मिले, क्या आश्वासन मिला कुछ उनसे? और कया तो है जी, कार्रवाई करवावांगे सारा। उम्मीद है कार्रवाई होगी? देखो जी के पता जी, उम्मीद कैसा रहे तो हम सारा गांव मिलन है जी। अच्छा हाँ जी, चलिए और भी हम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? रामनिवास शर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे? काफी समय से समस्या, आप लोग काफी बार प्रशासन से मिल चुके हैं लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आगे रणनीति क्या है? हमारी समस्या यही है जी, पानी की समस्या है, गलियों में पानी भरे खड़े है, बुजुर्ग भी बच्चे भी सब परेशान हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है, बुढ़िया बल्कि बरना के 1 महीने से पानी खड़ा, उसमें काई लग रही है, बुढ़िया का पैर फिसल गया, बल्कि बुढ़िया भी गिर गई। अच्छा, उसकी कुल्ली टूट गई बल्कि। तो कोई सरपंच इस टाइम मौके पे थे, अब तो कार्यकाल खत्म हो गया, खैर उस टाइम पे कोई समाधान नहीं किया? सरपंच ने एक बार थोड़ी कार्रवाई की थी, उसी बाद दोबारा फिर वही फिर भर दिए गड्ढे। तो उच्च अधिकारियों से आश्वासन मिला उसके बाद कुछ? उच्च अधिकारियों से आश्वासन मिला जी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। आगे आप लोगों की क्या कुछ कदम रहेंगे गांव की तरफ से? हम तो यही कदम है जी, आगे अगर कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं जी फिर ऊपर तक जाएंगे जी। ऊपर तक जाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर गांव बाबा लदाना के लोग आज यहां पहुंचे हैं कैथल के विधायक लीलाराम के पास, जहां गांव बाबा लदाना में 3-4 साल से निकासी की समस्या बनी हुई थी और समस्या जो कि तो बनी हुई है, जबकि उसकी ओर कोई समाधान जो है वो नहीं किया गया। प्रशासन द्वारा काफ़ी बार उनको आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन जो वो मिलते गए लेकिन समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर आज कैथल के विधायक द्वारा भी उनको आश्वासन दिया गया है और कहा है कि आपकी समस्या का जल्द से जल्दी निपटारा जो किया जाएगा। जिस तरह से गाँववासियों ने कहा है कि वहाँ पर निकासी की व्यवस्था इतनी का आलम इस तरह का है कि वहाँ से पद यात्रा जो है वो नहीं की जा सकती, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कई फुट पानी जो है गलियों में भरा हुआ है और काफ़ी समय से ये समस्या जो है सामने आई है, लेकिन देखना है कि आने वाले समय में क्या इसका समाधान होगा। या जी क्या कहना चाह रहे थे? ये कह रहे जी 19-2-2012 को इन्हीं आदमियों के कब्जे टाए गए थे, वो हाई कोर्ट में अर्क आए थे और दोबारा इन्हें फिर तालाब में फिर कब्जे कर लिए उन्हीं लोगों ने। तो उसकी शिकायत वगैरह दी? उनकी शिकायत ने माना सारी जगह दे रखी है। तो मैं जी आपके चैनल के माध्यम से BDO साहब DC साहब को कहता हूँ भाई 15 तारीख को आप अपने कागज लेकर वहाँ इसको टाया जावे और इस पर फिर कार्रवाई की जाए। चलिए वहाँ पर लोगों का साफ तौर पर भी ये कहना है कि वहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर इस निकासी की समस्या बनी है, उस कब्जों को हटाया जाए और निकासी की समस्या को दूर किया जाए, लेकिन देखना है कि आने वाले समय में क्या कुछ समाधान निकलता है। फिलहाल के लिए आप देखते रहे, कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नायक की रिपोर्ट।